हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। मेरे साथ ना एक बहुत अच्छी बात हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ अयोध्या पे, क्योंकि मेरी ट्रेन है अभी, मतलब अयोध्या से जम्मू के लिए सुबह की, मतलब 7 बजे की मेरी ट्रेन भी आ गई है। तो ट्रेन में चढ़ के बताता हूँ भाई, मतलब बता ही देता हूँ क्या हुआ कि मैंने स्लीपर बुक किया हुआ था और मुझे मिल गया 3rd AC, वो भी उसी स्लीपर के प्राइस पे। मैं बॉयकट देख के इतना खुश मैं क्या बताऊँ। चल ट्रेन में चढ़ता हूँ, देन पूरी बात बताता हूँ आपको। स्लीपर से एसी में जाते हुए फर्स्ट टाइम सीट दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, कैसी है कैसी नहीं। तो चलो भाई, सीट नंबर 72 सीट नंबर 72 नहीं है क्या? व्हाट द हेल यार, मेरा सीट था ये रहा, मेरी सीट पे ये सोए हैं भैया। आंटी दैट्स माय सीट, उठ जाइए। अच्छा मेरा वाला ऊपर वाला है, सॉरी। तो ये मेरा सीट है भाई, ऊपर का सीट मिला है। चलो बढ़िया है, जैसा भी है। जूते वगैरह नीचे ही रख सकते हैं ना। ये देखिए, ये मेरा एसर बच गया यार, सॉरी। हाँ तो ये मेरा सीट है एसी कोच, देखा है ना, बढ़िया मस्त सो के जाएंगे। क्योंकि आते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, आई नो जनरल क्लास में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग ऐसे आपके ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे आपके ऊपर चढ़ेंगे भाई, पता ही नहीं सकते। तो अभी तक का ये मेरा बेस्ट चीज़ हुई है जो मेरे साथ, मतलब जब से अयोध्या में आया मेरे साथ हर एक चीज़ बेस्ट हुई, हर एक चीज़ ट्रेन से लेके शो तक, घूमने तक, हर एक चीज़ यार। तो गाइस फाइनली मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मुझे एक रेलवे की तरफ से मेल आता है। मैं मोबाइल ओपन करके बताऊँ कि मैं ना ट्रेन में भी अपने लिए डोमिनोज़ पिज़्ज़ा मंगवा सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो फाइनली मैं अभी अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रहा हूँ। तो ये देखो मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया अपने लिए, देखते हैं कब तक आता है कब तक नहीं। पिज़्ज़ा डिलीवरी होगा आई थिंक लखनऊ में मिलेगा मुझे। तो शेड्यूल है अप्लाई नहीं है यानी अल्टरनेटिव नंबर। तो मैं अभी जस्ट पिज़्ज़ा अप्लाई कर, मतलब पिज़्ज़े के लिए अप्लाई करके देखता हूँ, आता है तो ठीक है, वरना नहीं। मैंने वैसे देखा था कि मतलब ऐसे एक यूट्यूबर है जिन्होंने 100 डेज लगातार ट्रैवल किया है, तो उनकी वीडियो में देखा था उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया था तो उनको मिल गया था। मैं देखता हूँ मेरे लिए पिज़्ज़ा आता है कि नहीं, चलो देखते हैं। फ़िलहाल मैं अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ, देन देखते हैं मिल पाता है कि नहीं, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। भाई मेरा जो ऑर्डर है मेरे पिज़्ज़ा का वो कंफर्म हो चुका है। अब देखते हैं लखनऊ पे मेरा पिज़्ज़ा आता है नहीं, 10 बजे की टाइमिंग बता रहा है, थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सो गाइस पहुंच चुके हैं लखनऊ, वेटिंग फॉर माय पिज़्ज़ा, कब से फाइनली हैं। तो भाई फाइनली मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, इसके लिए मैंने काफ़ी वेट किया, हद से ज़्यादा वेट किया है। तो ये आ चुके हैं भैया डोमिनोज, हम पिज़्ज़ा लेके देन बात करते हैं। माय पिज़्ज़ा जो मैंने काफ़ी टाइम से भाई खाया नहीं है, तो ये देखो नाइफ के साथ इसका अनबॉक्सिंग करेंगे हम। तो ये है मेरा पिज़्ज़ा, देख रहे हो अच्छा है, तो खाया जाए। खा के जो पेट को आराम मिला है ना, मैं बता नहीं सकता। मैंने आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम के बाद मैंने फास्ट फूड को दिखाया और भाई ये पिज़्ज़ा आज से ज़्यादा टेस्टी था यार, मज़ा आ गया। जब भी आप स्लीपर या एसी में जाओगे तो आप कुछ भी डोमिनोज किसी भी रेस्टोरेंट से किसी भी स्टेशन पर मंगवा सकते हो। भाई मैंने मंगवाया, आई स्वेयर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हद से ज़्यादा टेस्टी था यार, पेट शांत, मन संतुष्ट, सब कुछ संतुष्ट। अब मैं स्टेशन में जा रहा हूँ कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए, और क्योंकि मुझे और ज़्यादा भूख लगी खाने के बाद। तो चलते हैं यार बाहर, चलते हैं थोड़ा खाने पीते हैं। तो
भाई अभी मैं लखनऊ स्टेशन पे हूँ, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, देन दैट्स व्हाई सोच रहा कुछ चिप्स वगैरह भी खा ले जाएगी। मेरी ट्रेन है भाई, अब चलती है नहीं कुछ पता नहीं है, बट फिलहाल भाई खाने का बहुत मन है। ये देखो लखनऊ स्टेशन का नज़ारा, और मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल घर पर जाना, कुछ और खाने पीने के लिए ले लूँ बस अपने लिए। तो ये चिप्स वाली शॉप दिखी है मुझे, तो मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए अपने लिए मैंने लिया चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और एक दो चिप्स और लिया, यही बढ़िया था फिलहाल के लिए। तो अभी जा रहा हूँ फिर से अपने कोच में, दैन थोड़ा रेस्ट वेस्ट खा पी के अब मस्त सोना है मुझे, बस और कुछ नहीं करना है, क्योंकि रात का भी काफ़ी टायर्ड थे यार, कोई पूरी रात आई होती है यू नो, मज़ेदार ज़िंदगी। सो आई वोक अप एट अ नाइट मैन, जब पिज़्ज़ा खाने के बाद बाहर से घूम के आया थोड़ा, तो मैं सो गया। सोने के बाद भैया आए ऑर्डर लेने के लिए, बच्चा मुझे घूर के देख रहा है, देख रहे हो आत्मा बन के। तो अभी भैया आए थे मेरा ऑर्डर लेने के लिए, तो भूख भी लगी थी तो मैंने मंगा लिया ट्रेन का खाना, देख रहे हो ट्रेन का खाना कैसा दिखता है कुछ ट्रेन का खाना। तो चलो इसे ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं। तो ऐसा है चावल, सब्जी, दाल, छोले, अचार, ऐसा मिलेगा आपको ट्रेन में खाना। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं, वेट अ मिनट। तो ये तीन रोटी मिलेगी आपको, वाले हैं तो ये टाइम है मेरा सोने का, तो हम जा रहे हैं खाना खा के सोने के लिए। सो गाइस फाइनली अभी हो चुका है मेरा सफ़र ख़त्म, तो अभी जा रहे हैं भाई घर पे हम। ट्रेन थी ये मेरी, ये वाली देख रहे हो, वो मेरा कोच जो मुझे इत्तेफाक से मिला था। तो अभी ख़त्म सफ़र, निकल जाएंगे अभी अपने घर को। अगला सफ़र जो मैंने सोचा है वो तो काफ़ी लंबा है, उसके लिए थोड़ी सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेंगी, दैट्स व्हाई अब थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे, मतलब कुछ सा टाइम लग जाएगा, उसके बाद ही निकलूँगा। चलो अब जा रहे हैं घर पे भाई, काफ़ी लेट हो चुका है, तो मिलते हैं भाई सीधे आपको घर पे। बाय बाय, टाटा, अगले सफ़र में मिलेंगे भाई अब।